नमस्कार, मैं नीति सैन। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नारकोटिक सेल की टीम ने हेरोइन की तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से करीब 5 करोड़ रुपए की उम्दा क्वालिटी की हेरोइन भी बरामद की गई है। आरोपी को शाबा डेरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उजैन के पास चलते हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नारकोटिक सेल की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो राजधानी दिल्ली में ड्रग्स की तस्करी किया करता था। इस आरोपी के पास से नारकोटिक सेल की टीम ने 2 किलो उम्दा क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी को शाबाद डेयरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर खास की सूचना पर शाबाद डेयरी के महादेव चौक के पास ट्रैप लगाकर नारकोटिक सेल की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से नारकोटिक सेल की टीम पूछताछ में जुटी है। वहीं नारकोटिक सेल की टीम का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली के कुछ और तस्करों की भी गिरफ्तारी होना मुआजिब बताया जा रहा है। फिलहाल नारकोटिक सेल की टीम यह पता लगाने में लगी है कि आरोपी के तार राजधानी दिल्ली में कहां कहां जुड़े हैं। पूरे मामले की जानकारी DCP विजेंद्र कुमार यादव ने दी। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। ऑटोनॉट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नारकोटिक्स के अगेंस्ट जंग के अंदर काफी सफलताएं हासिल हुई हैं और हमारा कंटिन्यूस एफर्ट और प्रयास रहता है कि इसके नेक्सस को हम खत्म करें। इसी के अंदर कल एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई, जिसके के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्थ 5 करोड़ रुपए की हेरोइन को हमने बरामद किया। राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति के पास से। यह व्यक्ति ग्वालियर का रहने वाला है और इसने सप्लाई का एक नया चैनल स्टार्ट किया था। यह झारखंड से माल लेके उसका फर्दर सप्लाई दिल्ली के अंदर किया करता था और यह आशा की जाती है कि इसके पकड़े जाने के साथ ही यह और इसके साथ इनमॉल बाकी अन्य लोगों को भी पकड़ने के अंदर और इनके इस नेक्सस को तोड़ने के अंदर पुलिस को सफलता अवश्य हासिल होगी।